सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज 27th ऑफ अक्टूबर। गाइस मेरा ना गला, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, गला नाक सब कुछ बंद है मेरी, थोड़ी बोलने में दिक्कत होगी। सो गाइस आज है भाई दूज, आज 27 तारीख है। आधा जो भाई दूज का दिन था वो 26 तारीख को था, आधा 27 तारीख तक है, तो मतलब ऐसे कुछ पंडितों ने कर रखा है आधा दिन करके। बट एनीवेज गाइस, अभी जो मेरी बुआ रखी है घर पे, बुआ से मैं टीका शीका कराता हूँ, उसके बाद कुछ खाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, और मेरे दो चार छोटे मोटे काम भी है। एक्चुअली मेरे जो बाइक है ना, मेरा भाई लेके गया हुआ है अपने घर पे, तो मुझे अपनी बाइक भी उठा के वहाँ से लेकर आनी है। सो गाइस चलो पहले टीका कराते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, टीका कराते हैं, उसके बाद आगे चल के फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गाइस सो अभी मैं घर पे आया, मैं एक्चुअली बैंक गया था, मुझे बहुत ज़रूरी कुछ काम था, और भाई मैं एक घंटे तक बैंक में बैठा रहा। भाई गवर्नमेंट काम जो होता है ना भाई, बड़े मुश्किल होते हैं, मतलब मुश्किल क्या, दो दो मिनट के काम नहीं होते उसके लिए, भाई दो दो घंटे लग जाते हैं। तो बैंक गया था मैं, जस्ट अभी घर पर आया हूँ मैं। चलो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो मैं बस क्या चीज़ आई है, 5 पैकेट आ चुके हैं गाइस। चलो चिप्स के एक बार अनरैपिंग करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के चिप्स है। और भाई ये ना अपकमिंग मार्केट में, मतलब अभी आएंगे, अभी आए नहीं है सर, सर्वे के लिए हमें दे रखे, तो इसके अंदर रैप वगैरह कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि चिप्स कैसे हैं ये। तो भाई देखो ऐसे ना यार, एक दिखाता हूँ आपको, देखो भाई ऐसे है बिल्कुल, ये 5 पैकेट हैं बड़े बड़े। और भाई ये है सफोला के, देखो मंचीज, और भाई इसके ऊपर देखो कोई भी मतलब कुछ टैग नहीं है, सिर्फ मंजीत का टैग है, और यहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चर लिख रखा है। मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा भैया ये पूरा मतलब अभी प्लेन क्यों है, तो अभी पूरा मतलब रैप होकर क्यों नहीं आया, तो वो कह रहे थे कि अभी एक्चुअली सर्विस चल रहा है सिर्फ और सिर्फ हमारा, इसलिए जो है सिर्फ हमने इसका वो कर रखा है, मतलब कुछ इसके अंदर वो मतलब डिज़ाइन नहीं किया हमने रैपर, सिर्फ इसलिए प्लेन रखा है। और गाइस मैं अभी पैकेट खा रहा था खुल के, और भाई देखो ये पैकेट मैंने खोल रखा है, इसको मैं टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ टेस्ट इसका कैसा है। ये भाई मैंने 2-3 ले लिया है। अब भाई पहली बात तो देखो भाई, इसका डायमंड शेप है, ठीक है अब चेस करते हैं इसको। गाइस एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा सॉल्टेड है, मैं इसका अगर रिव्यू दूँ ना तो भाई आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा सॉल्टेड है। एक्चुअली मसाला तो इसको काफ़ी टेस्टी है, बट मेरे को जो लग रहा है ना इसके अंदर जो ना नमक है, नमक बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मतलब भाई क्या होता है नॉर्मल मसाला उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, इतना पता है मसाला मेरे को। भाई नमक जो है ना, नमक थोड़ा तेज़ लग रहा है, बाकी भाई मसाला बहुत टेस्टी लग रहा है इसका मेरे को। तो भाई देखते हैं मार्केट में कब लॉन्च होंगे कब नहीं होंगे। तो भाई मैं सोचा कि चलो आपको दिखाना चाहिए कि मार्केट में नए चिप्स के पैकेट आने वाले हैं सफोला के, तो मैं सोचा कि चलो आपको दिखाना चाहिए, तो भाई इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि चलो। बट एनीवेज गाइस वैसे टेस्टी है, आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, और बाकी तो भाई देखो मेरे को टेस्टी लगे, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि एक बार लाइफ में कभी ना कभी तो प्लीज़ खाने इसको। बट ठीक है भाई एनीवेज, अभी भाई देखो मैं जाऊँगा, मेरी ना नानी के एक्चुअली घर से फ़ोन आ रहा है, मेरी जो मासी है ना, मेरी मासी रानी घर पर आ रखी है, तो उनकी जो बेटी है ना वो मेरे को बहुत देर से फ़ोन करे बुलाया जा रही है। मैंने कहा मैं अभी ना थोड़ी देर में शूट में बिजी हूँ, मेरे को शूट भी करना था ब्लॉग का, और दूसरी बात मेरे को बैंक भी जाना था, मैं कहा वहाँ से फ्री होता हूँ तब आता हूँ टाइम मिला तो। तो वैसे अभी 3 बज रहे हैं, 1 घंटे का टाइम तो मेरे को मिल चुका है, करे 4 बजे हम अपने घर के निकल जाएंगे, तो तब तक तो मिला, नानी मेरे यहीं से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर रहती है। तो चलो गाइस चलते हैं नानी के घर पे। भाई 10:40 हो रहे हैं, और जस्ट भाई मैं नहा कर आया हूँ, भाई आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, भाई मैंने एक्चुअली कल जो है ना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था, अपनी नानी के घर पर गया था, वहाँ से गाइस जब मैं आया था तो भाई मुझे पता नहीं था कि मेरी तबीयत एकदम ख़राब हो गई, भाई 101 फीवर हो गया था मेरे को अचानक से ही, पता नहीं क्या हो गया था, क्योंकि गाइस मेरे को मैं बताया था ना प्रीवियस व्लॉग्स के अंदर अपने कि भाई मेरा गला ख़राब है, मेरे को जुकाम बहुत ज़्यादा और कोल्ड हो रहा है मेरे काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से गाइस मेरे को ना फीवर हो गया था, और भाई मैं रात को फिर जल्दी दवाई लेकर सो गया था, तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था। अब भी गाइस देख लो मेरी आवाज़ कैसी हो रही है, आज 28 तारीख है गाइस, अब भी भाई मेरे वो जो मैंने नाक वाक ठीक हो, बुखार वुखार थोड़ा बहुत ठीक है, बस कोल्ड खत्म नहीं हुआ भाई, भी धीरे धीरे हो जाएगा वो तो। सो गाइस चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, हिम्मत नहीं है भाई बोलने की, फिर भी तुम्हारा भाई व्लॉग कर रहा है सिर्फ आपके लिए कि आप लोगों को दिखाऊंगा भाई अपनी डेली लाइफ, और भाई आज भी आएगा व्लॉग, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, तो भाई एक बार बस वही है ना बीच के अंदर छोड़ जाता ना व्लॉगिंग एक दिन के लिए, तो भाई वो हो ही नहीं पाता फिर, इसलिए भाई अब दोबारा से ट्राई करते हैं रेगुलर व्लॉग करने के लिए। तो वैसे चलो मिलते हैं किसी ना किसी वीडियो से टेल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड भाई थोड़ी सी भाई देखो तुम्हारे भाई मेहनत करते हैं तबीयत खराब में भी,
थोड़ा सपोर्ट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। एंड गाइस चलो बाय बाय, मिलते हैं।